करनाल सदर बाजार की रहने वाली 30 वर्षीय महिला की निसिंग में हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला का नाम नीरू है। महिला का शव झाड़ियों से मिला है। परिजनों का आरोप है कि महिला की उसके पति ने हत्या की है। मृतका के शव पर चोट के निशान भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि महिला के पति ने उसकी हत्या की है। दोनों का आपस में तलाक का केस चल रहा है। गत दिवस वह महिला को बहला फुसला कर ले गया था। हत्या करने के बाद वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतका के पति, दो ननदों व एक अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि नीरू की शादी निसिंग के रहने वाले शीशपाल उर्फ राहुल के साथ 6 साल पहले हुई थी। दो लड़कियां भी हो गई, परंतु आपसी झगड़ा रहने लगा और तलाक की नौबत पहुंच गई, जिनका अभी केस चल रहा था। और नीरू करनाल में बच्चियों के साथ रह रही थी, परंतु 31 जुलाई को राहुल करनाल आया और उसको अपने साथ ले गया था। बाद में शाम को उसका शव सड़क के पास झाड़ियों में मिला। पुलिस ने पति सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी की जा रही है। थाना प्रभारी निसिंग रामफल ने बताया कि पति सहित 2 ननदों व 1 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जानकारी मिली है, क्या मामला है, कौन है लड़की? लड़की रिश्ते में तो वैसे भतीजी लगती मेरी। अच्छा, मेरा नाम लिखो। 6 साल पहले शादी हुई थी इसकी। लड़का थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करता था, तो जब से शादी हुई उनके घर में क्लेश होती था, तो कुछ लड़की होगी थी उसमें, तो इसलिए ज्यादा क्लेश होता था कि भी लड़की है। तो इन्होंने तलाक का केस घेरा हुआ था, जो अगस्त में उनका फैसला आना था। तो लड़की लड़ाई ना होने की वजह से अपना मकान किराए पे लेकर आती थी जुबला गेट में। और कई बार पहले भी इस लड़की का ससुर खड़ा है, इसके मुंह पे काट कूट खा गया था। तो इन्होंने इसकी भी तलाक केस घेरा हुआ था, तो अगस्त में फैसला आना था। लेकिन उससे पहले कल आया, वो 1-2 दिन पहले आया था कि रह रहा था यहाँ पर, कि भाई चलो फैसला आना है, कुछ रजामंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता था। लेकिन कल फैसला फुसला के ले गया, चलो भाई घर पर चलते हैं और किराए किराए लिखाना है। तो यहाँ से निकलने से पहले बता रहे हैं कि भी उसने अपनी जीजा को फोन किया था कि भी मैं लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ से सही सलामत ले गया, लड़की नहा धो के कपड़े पत्ते पहन के सही गई है। बिल्कुल एकदम कोई ऐसी बात दिमाग में नहीं थी, कोई हमारे दिमाग में वाली बात नहीं थी कि कोई ऐसा काम हो सकता। मतलब इनको बच्चों को शाम को पता लगा है कि भाई लड़की की डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई है निसिंग के बाईपास रोड पे, खेतों में मिली है। जो क्या लगा उसमें, कोई घायल थी या कोई घायल क्या, हमको तो मीडिया द्वारा पता लग पाया है। बाकी गए हुए लड़की कैसे मारा उसने, कुछ उसके मुंह पे चोट भी लग रही है, खून खान भी निकले हुए उसके लड़की के। अच्छा, जो हमने फोटो में देखे हैं। और बाकी अभी बात हुई है, उन्होंने लड़की के बाप के खिलाफ, लड़के के बाप के खिलाफ उसकी माँ के खिलाफ और 3 और 4 के खिलाफ केस किया हुआ है। बाकी 4 फरार हैं और लड़के का जीजा पकड़ा गया है अभी तक। अच्छा, तो कोई गला गलो हाँ जी, गला घोंट के उसको मारा गया। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जी, गरीब आदमी है बेचारी, इनका 2 लड़की भी उससे बेचारी पे, उन बच्चों को कौन देख रेख करेगा? न्याय फैसला होना चाहिए जल्दी से जल्दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। मामला ही ऐसा ही, जैसे उनका तलाक का हिसाब चल रहा था, ऐसे वो आता था जाता था और उसको मारता था। इस चक्कर में इसके तलाक का हिसाब चल रहा था, अभी तलाक होना है। अब वो उसका मकान का किराए का हिसाब था ही, वो किराया लेने गई हुई थी, वो उसका आदमी आया था, वही वो चलो ही चल, कोई बात नहीं है, वो तलाक तो हो जाएगा, वो चलेगा किराया ले आते हैं हम जाके। उन्होंने चलो ठीक है, वो भी चलो कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, कोई ठीक ही बात है। अब वो गए तो उनको प्लानिंग उनकी पहली थी जी। अब जाने से पहले उसने अपने जीजा को फ़ोन किया, लड़के ने, हाँ भी हम आ रहे हैं, तुम तैयारी रखना ही, उसने ये कहा था जी। मैं उसके बाद तो फिर जाने के बाद में फिर शाम को ही पता लगा जी, हाँ जी उसकी फोन आया, उसकी डेड बॉडी मिली थी लड़की की। आपका क्या नाम है? वो खेत में डाल रखी थी, मार के वो हमारा। ये कल की घटना है, कल शाम की। हाँ जी, कल शाम की 11 बजे गई थी अपने घर से, वो निसंग गई थी अपना घर का किराया लेने के लिए। तो किसके साथ गई थी? ये अपने आदमी के साथ गई थी। तो क्या वारदात हुई, क्या कुछ मांग करते हैं? उसके आदमी ने उसको मारा है गले घुट के चुन्नी से। हम तो यही चाहेंगे इंसाफ मिले सर। तो पुलिस क्या कहती है?
पुलिस भी यही कहती है हाँ इंसाफ मिलेगा उनको। इससे पहले भी झगड़े होते थे? इससे पहले वो मारता पीटता रहता था, उसको मोटे मोटे डंडों से मारता था, करंट भी लगा देता था। एक बार तो तार से ना उसका गला दबा दिया था और काट खा लेता था गाल पे। काम क्या करता था? यही मजदूरी दिहाड़ी का करता था, और करता अभी तक या नहीं करता था। कितने बच्चे हैं? इसके दो गुड़िया हैं। दो गुड़िया, एक विकलांग है? हाँ जी, एक विकलांग है, छोटी वाली। झगड़ा कितने टाइम पहले हुआ था? झगड़ा तो ये तो रोजाना ही ऐसा मारता पीटता था इसको। पर पत्नी की हत्या की गई है, क्या आया पहले से? इसकी कल शाम को 31/7/2020 को शाम से मैं करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि वही जो पुराने अनाज मंडी से नई अनाज मंडी को रास्ता जाता है निशंक के अंदर, उसके किनारे पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी। तो सूचना पा करके मैं अपने साथियों से मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मंत्रल राहगीरों को या आस पास के सरपंच सूचना दे करके टेलीबद्रिया टेलीफोन आगे उसको आइडेंटिफिकेशन करवाने की कोशिश करने उपरांत जिसकी आइडेंटिफिकेशन पाई गई, जिसका नाम नीरू बतलागा, नीरू वाइकोशीस जो इंदिरा आवास कॉलोनी के रहने वाली है, लेकिन अपने पति के साथ अनबन होने के कारण वो सदर बाजार करनाल में रह रही थी। जिसके आइडेंटिफिकेशन होने उपरांत जो मौके पर एफ एस एल टीम या सीन ऑफ क्राइम टीम को मौका मुआयना करवाएगा, करवाने उपरांत डेड बॉडी को मोर्चरी हाउस में रखवाएगा। जो आज सूचना पाकर इसके वारसान आए हैं, वारसान ने जो आए हैं, जो इन्होंने अपना ध्यान अंकित कराया उसके पति और उसकी दोनों दो और एक बली नाम के व्यक्ति थे जिसके ऊपर अभी अंकित कराया गया है। अब नीरू का पोस्टमार्टम के लिए हम मौका पर आए हैं। हत्या का केस किस किस के नाम दर्ज किया? हत्या केस उसका पति और एक बल्ली नाम का व्यक्ति है और दो उसकी लड़के हैं। कोई इनका तलाक वगैरह का भी केस चल रहा था आपस में? अभी मेरे सामने तफ्तीश में कोई नहीं आया है, अभी तक पोस्टमार्टम के लिए आया। तफ्तीश में जो भी नया क्लिप जुड़ता जाएगा तो उसमें मौके पर सुनाने सर जोड़ दिया। लड़की करनाल में रह रही थी? लड़की करनाल में रह रही थी, सदर बाजार करनाल। किसने डिटेन किया जी? डिटेन अभी तक कोई नहीं किया, अभी मैं मोर्चरी हाउस में आया हूँ अभी तक मैं, लेकिन जल्द से जल्द जिसने भी अपराध किया है तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.